हमने दी थी 100 रुपये। हमने मैंने कौन सा गुनाह किया था कि हम पिछली जाति को 27% आरक्षण दे दिए? कौन सा पाप मैंने किया था? ये सब आपके सामने। 3 तारीख को जब आप बटन दबाइएगा, ये तस्वीर अपने सामने रख लीजिएगा। ये प्रश्न राजवीर सिंह के भविष्य का नहीं है, ये प्रश्न कांग्रेस का नहीं है। 3 तारीख को जो आप बटन दबाएंगे, आप आगे आने वाले पीढ़ियों का भविष्य का बटन दबाएंगे, नौजवानों के भविष्य का बटन दबाएंगे। राजवीर सिंह तो आप परिचित हैं, इनकी जन सेवा केवल इनकी नहीं, इनके पूरी परिवार की जन सेवा की भावनाओं से आप परिचित हैं। और मुझे विश्वास है कि उन भावनाओं से ये एक नया इतिहास बनेगा, हटपिपलिया में, पूरे जिले में बनेगा। राजवीर सिंह अकेले नहीं रहेंगे, याद रखिएगा कमलनाथ भी उनके साथ रहेगा। और मैं चाहता हूं, मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, आप एक संदेश देंगे कि तब कलंकित हुआ मध्य प्रदेश। आप जाएंगे गुजरात, जाएंगे कर्नाटक, जाएंगे, जब आप बोलेंगे मध्य प्रदेश से आए हैं, क्या कहेंगे आपसे? आपको दिखाऊ प्रदेश से आए हैं, दिखाऊ राज्य की कितना कलंकित किया। तो आज आपको यह संदेश देना है पूरे देश को और पूरे प्रदेश को कि हटपिपलिया के लोग सीधे साधे हैं, किसान हैं, भोले भाले हैं, पर ये सौदागर नहीं है, ये सौदे के शिकार नहीं बनने वाले। और मुझे पूरा विश्वास है, अगर आप सब